आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन जिस दिन मैं इलाइट पास ले लूंगा। अरे कब आएगा यार, जब मर जाएंगे तब आएगा। प्लीज भाई जल्दी आ जा यार, कोई तो आ जा भाई, प्लीज यार जल्दी आ भाई, जल्दी आ। अरे वो सब तो ठीक है, पर हमको आना कब है? मेरे मर जाने के बाद। अरे कौन बुलाता है लोगों, कौन बुलाता है यार? अरे हीरोइक में कैसे पहुंचा यार तुम? कैंपिंग करके जीरो किल प्लस भैया बहुत है भैया, मुंह पे बोलते हैं। मैं यार मैं एक दिन मर जाएगा, कुत्ते की मौत चक में सब कहेंगे मर गया माता चोट लाला लला। अली भाई सच्चा दोस्त कैसा होता है? आओ दिखाऊं। चला यार चले। किधर? मरने जा रहा हूँ, चलेगा? हाँ यार वैसे भी तेरे बगैर जीने का मजा नहीं है। कौन है तू? पंकज भाई आप बार बार खुद को नोप क्यों बोलते हो? भाई पुराने यादों को भूलना नहीं चाहता, पहले भी नोप था, मरते दम तक नोप ही रहूंगा। आखिरी दफा तुझे पूछो तू नीचे आती है कि नहीं? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। ये सही काम है, पहले फसाया फिर हंसाया फिर रुलाया। अरे नुबड़ा अपना गंदे मेरे को, तुमको चलाने नहीं आता नुबड़ा कहीं का, जल्दी दे जल्दी दे। रुको देर है। चल दे जल्दी, बहुत अच्छा भाग यहाँ से। अरे मेरे को नॉक क्यों किया? भाई देख नुबड़ा नॉक हो गया, भाई देख नुबड़ा नॉक हो गया, बहुत मजा आया भाई। अरे भाई दो डाउन हो गया, मार दे मार दे मार दे। अरे यार भाई जल्दी आ जा भाई, कोई आ जा भाई, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ भाई, भाई कोई आ जा यार, क्या कर रहा है यार, जल्दी आना भाई। अरे भाई कोई तो आ जा यार। अरे रुको मैं आ रहा हूँ। अमित भाई मेरा नाम, अरे अमित भाई बोल रहे हैं, अमित गुप्ता मेरा नाम है। अच्छा भाई अमित गुप्ता, अरे हेलो ब्रो, तुम्हारे जीएफ कौन है? मीसा है कैरोलिन। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ यार, फोटो देखकर बताओ ना कौन अच्छी लग रही है। मुझे तो कैरोलिन पे क्रश है यार। आपको किस पर कमेंट कर देना यार, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। ओ मेरी बेस्टी से दूर हो, समझ में आया? वो सिर्फ मेरी बेस्टी है और तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो, फ्रेंड भी नहीं हो, वो सिर्फ मेरी बेस्टी है, जरूरत होती है मुझे। अरे यार ऋतिक तेरी बाइक दे तो। अरे यार कहाँ जाएगा भाई? अरे आज ग्लूवाल लेके ही आता हूँ उससे मैं। सोनल बाहर निकल, निकल बोला ना बाहर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ग्लूवाल दे दे चुपचाप मेरा। नहीं दिया तो? तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा। तुम मेरे खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं और हिम्मत देखो इनकी, तिल्ली जैसा शरीर है इनका और मुझे मारने की बात करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। अच्छा तो फिर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको रूटर ऐप के बारे में। रूटर एक ऐसा इंडियन ऐप है जहाँ पर आप डेली गिवअवेज जैसे कि क्यूपिड्स का, डीजे आलोक या फिर ढेर सारे डायमंड्स जीत सकते हो कस्टम रूम्स खेल के। अगर आप लोग अभी भी चाइनीज ऐप्स जैसे कि नीमो टीमी या नोनो को सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं तो इसीलिए रूटर को सपोर्ट करता हूँ जो पूरा इंडियन डेवलप्ड ऐप है। रूटर को यूज करना काफी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन पे जो पहला लिंक है उस पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो गाइस आप रूटर कॉइंस अर्न कर सकते हो बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल के या फिर कस्टम रूम्स खेल के, और ये रूटर कॉइंस को आप पेटीएम में भी ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, आपका जब मन करे तब विड्रॉ कर सकते हो रूटर कॉइंस को। तो जल्दी जाओ डाउनलोड करो ऐप को, तो नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ रूटर ऐप को डाउनलोड करो। कि हम वो नहीं जो प्यार किया करते हैं, वो दिन में हंसते रात को रोया करते हैं, और आपको पहचानने में गलती हो रही है मोहतरमा, हम तो वो हैं जो आपकी गली में। एक बात हमेशा याद रखना, जो आया वो अपना था और जो गया वो सपना था। मैं बारिश का न थके हैं पाँव कभी, न ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। यार गलत कर रहे हो तुम, अपने काम से काम रख, सिखा मत मेरा काम मुझे अपने काम। गुरुदेव कैसे? गुरुदेव ऐसे आयो रे मां।
बिल्कुल भी बुरा नहीं ना मानेगा। अरे नहीं मानेंगे बोले तो। हाँ तो सुन, तू एक नंबर का किलचोर है, बॉट है पूरा, समझा? बॉट से भी गंदा खेलता, तेरा से गंदा प्लेयर आज तक नहीं देखे, जब भी खेलते तो बंदा के सामने जाकर मर जाता और हमको फंसाता बटवा। भाई अब हम एक बात बोले? नहीं मत बोल, हम बुरा मान जाएंगे। भाई सुन ले यार। नहीं हम बुरा मान जाएंगे। तेरा तो सिर्फ दिमाग खराब है और कक्का मेरे तो पूरे टिकटॉक की आईडी ही खराब है। नहीं विश्वास है तो जाके खोल के मेरी टिकटॉक की आईडी देख ले, 4-5 लाइक आती हैं। भाई तो बहुत उदास रहता है आजकल, क्या हुआ? भाई मैंने पूरा दुनिया देख लिया कैसी है। सच में? हाँ भाई मैंने पूरा दुनिया देख लिया। तो भाई हमको अंग्रेज दिखा देना ना, हम आज तक नहीं देखे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तुम इतने अच्छे हो कि तुमसे प्यार तो हर कोई कर लेगा, तुम इतने अच्छे हो कि तुमसे प्यार तो हर कोई कर लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी इज्जत हर कोई नहीं करेगा। अरे यार विजय, गेम में कितने साल का हो गया? अरे भाई मेरे 60 साल हो गया। मेरे को तो 70 साल हो गया। अबे साले नुगड़ो, वो साल नहीं लेवल होता है बे, लेवल। भाई एयर गोली दे दे भाई, भाई एयर गोली। अरे नहीं है यार, कहाँ से दे, पैदा कर, नहीं है। अबे गोली, अबे दे ना भाई, गजब कर रहा। अरे नहीं है यार भाई, ग्लूवल दे, एक ग्लूवल दे दे हमको भीख में। तेरे लिए तो खरीदे हैं, भागता के नहीं भीख मांगा यहाँ से, कुछ नहीं देंगे तुमको हम। भाई 3 राउंड हार चुके हैं भाई, ये ला मैं जिता दे भाई तेरा पे सब कुछ। अरे मेरा घर मतलब बर्तन पटक रहा यार, सुनाइए नहीं दे रहा। भाग यार, तू लोग कभी नहीं खेलेगा। बहुत दिनों से आपका मैसेज नहीं आया तो सोचा पूछ लूं, आर यू जिंदा? दारू पियो ब्रांड की ताकि खांसी ना हो, लड़की पटाओ वकील की ताकि फांसी ना हो। पोचिनो के पहले वाले एलसिप घर के ऊपर एक चेयर है, तुम उसके नीचे से अगर जंप करोगे तो सीट का ऑप्शन आएगा और तुम बिल्कुल ऊपर को टेलीपोर्ट हो जाओगे। अच्छा नीचे से सीट का बटन दबाने से हम घर के ऊपर चले जाएंगे, ऐसे भी होता है क्या? ओके तो चलो यार, इसको तो हमको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। अरे भाई बिल्कुल ओपी, देख सकते हो दोस्तों मैं नीचे से जंप करके छत के। भाई क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कितना खुश नसीब हुआ ना वो लड़का जिसकी मेरे मोहब्बत से शादी होगी। रंग थे। डियर बेस्ट फ्रेंड, जिस दिन आप हमें भूल जाएंगे उस दिन आपके सारे दांत तोड़ दिए जाएंगे। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता चोट, ला 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 ला। यार तूने उसको इतनी आसानी से मार कैसे दिया? आखिर तुझ में इतनी एनर्जी आई कहाँ से यार, मुझे तो बता। दारू पीऊ मैं, दारू, दारू इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। नशा पबजी का होता तो छूट गई होती, कि नशा पबजी का होता तो छूट गई होती, नशा फ्री फायर की लगी है, चांद के साथ जाएगी। फ्री फायर वाले भी कमाल करते हैं, गेम में तो वो प्रो हैं ही सही, लेकिन जहां उनकी इज्जत का सवाल आ जाए ना, वहां मैच जीत कर बवाल करते हैं। हम फ्री फायर वाले हर कोई मार दे इतनी सबकी औकात नहीं, और क्या कहा, हमें घर में घुस के मारेगा, बेटा अपने बाप को भेज, तेरी बस की बात नहीं। हेलो फ्रेंड, कोई टिकटॉक में है जो मेरा फ्रेंड बनना चाहता हो, मेरे से बहुत सारी बातें करना चाहता हो, अगर कोई है तो मुझे फॉलो करो, फिर हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। और आपको फॉलो नहीं करना तो आप अपनी आईडी का नाम मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपको फॉलो करूंगी। अगर आप सच्चे फ्री फायर लवर हो तो आपके लिए सवाल है कि फ्री फायर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाकर लगता है कि यार इतनी खूबसूरत जगह काश हमारी रियल लाइफ में होती। मैं 2 लाइन बोलूंगा पबजी वालों को, जो हम गेम खेलते ना हमारा फ्री फायर, वो तुम्हारे चोर लोग के ऐसा नहीं खेलते, लुका छुपी जैसा। ब्लू जोन में जाते हो, ब्लू जोन के बगल में जाके सो जाते हो, बैठ जाते हो, ऊपर इनके कवर लेके सो जाते हो। यार फ्री फायर वालों, तुम अपने आप को पबजी से कंपेयर मत करो, क्योंकि जितने एमबी की तुम्हारी पूरी फ्री फायर है ना, इतने एमबी का तो पबजी का मेरा मार मैप है, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। हाँ आंटी आपने एकदम सही बात बोली है, लेकिन यार यहाँ पे बाप ना फ्री फायर है, और रही साइज की बात, साइज में तो हाथी भी बड़ा होता है,
लेकिन जंगल का राजा शेरी कहलाता है और फ्री फायर वाले शेर हैं। प्यार में लड़की धोखा देगी, दोस्ती में दोस्त धोखा देगा, लेकिन जब फ्री फायर आपका दोस्त बनेगा ना, तो आप इन सब धोखों को भूल जाओगे और वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो गाइस ये वीडियो पूरा सुन के जाना गाइस। पता है मैं फ्री फायर लवर्स हूँ और पबजी को रोस्ट करता हूँ और फ्री फायर के बारे में अच्छे अच्छे बातें करता हूँ और अपने फैंस को एंटरटेन करता हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे पबजी लवर्स को यार दिक्कत होता है, गुस्सा आता है और गुस्से में माँ बाप के बारे में कमेंट कर देते हैं। तो यार गाइस कमेंट करना है करो, गाली देना है गालो, तो यार जो क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में डालो यार, मेरे बारे में डालो यार, माँ बाप ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो गाइस और एक बात बताऊँ गाइस, जो हम डालते हैं वीडियो। अरे व्यान भाई आज तो कोरोना के ऊपर कोई शायरी हो जाए। कोरोना के ऊपर, ना इलाज है ना दवाई है। वाह क्या बात है। ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। ओए होए। तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। मेरा यही अंदाज इस मतलब। जो लोग पहले फ्री फायर का बुराई करने लगा था, अभी वही लोग फ्री फायर का तारीफ करने लगा है। वाह भाई वाह, औकात में आ गया अभी वो लोग।